نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكراً يا رباه. شكراً يا رباه. عتم الليل المظلم يروي ظما الروح يجعلنا من اهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه قلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكراً يا رباه، شكراً يا رب يا ربي فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے إيه ہمارے मौत पर कलमा ला अला पर साबित कदम रखिए आमीन या रबल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक मौका दिया इकट्ठे होकर फिर कुछ अच्छी बात करने का अल्लाह ताला इसको हमसे कबूल करे बहुत प्यारा वक्त है आप में से जो खातिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के टाइम जोन के करीब करीब हैं फजर के बाद का वक्त वैसे ही बहुत प्यारा वक्त होता है और अक्सर आप में से वो खातन जो सुबह में बाद नमाज के बाद बाहर निकलती हैं आप हमेशा इस वक्त के अंदर एक खास स्वीटनेस महसूस करते होंगे मैंने पिछला जो सेशन किया था उसमें आपको बताया था कि जो इस टाइम पर बाहर ब्रीज होती है बाहर हवा होती है उसको अरबी में नसीम व कहते हैं इसमें बहुत ठंडक होती है इसमें बहुत सूदनेस होती है इसके अंदर बहुत सुकून होता है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर आफियत से हमारे इस सेशन को करवाएं और इसको हमसे कबूल करें और हमारे दिन का आगाज जहां फजर पढ़कर अल्लाह के कलाम से हुआ है वहां हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपना दिन बेहतरीन गुजारने के लिए लें ताकि आज दिन भर में हम जितने भी काम करें सब के सब हमारी नेकी में काउंट हो जाए आज हमारा सेशन जिसका टॉपिक मैंने रखा है कि हर मुश्किल के साथ कोई न कोई मखरज होता है फॉर एवरी डिफ़िकल्टी देर इज़ अ मखरज मखरज कहते हैं अरबी ज़ुबान में निकलने की जगह को जब मुश्किलात आती हैं तो हमें यह लगता है कि शायद कभी यह मुश्किल ख़त्म नहीं होगी और यह हमने हमेशा महसूस किया है कि खुशियों के मुकाबले में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बहुत प्रोलोंग्ड लगती हैं लगता है खुशियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं और जो मुश्किल वक्त होता है वो गुजरने में नहीं आता यकीनन इस वक्त ओवरऑल ना सिर्फ एक शहर पे बल्कि एक दुनिया के ऊपर जो है इस वक्त तकलीफ का टाइम है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस हैं एक तरह से ह्यूमैनिटी एक ही चीज के बारे में जो है वो कंसर्नड है और परेशान है ऐसे में वो लोग भी इस वक्त आसमान की तरफ देखने पर मजबूर हैं शायद जिन्होंने कभी सर उठाकर इस टेक्नोलॉजी के दौर में कई सालों से आसमान की तरफ ना देखा हो लाइफ स्टाइल जैसे हैं हमारे के घरों के अंदर ही ऑफिस के अंदर ही वर्क के अंदर ही अपनी डेली रूटीन्स में इतना हम बिजी होते हैं कि आसपास की कायनात को यूनिवर्स को आसमान को आसमान वाले को देखने का मौका ही नहीं मिलता और याद ही नहीं रहता ये ऐसा वक्त है इस वक्त इंसानियत के ऊपर कि इंसानियत एक साथ संभाओ एक ही तरह की मुश्किल में है अब इसमें से निकलने का मखरज क्या होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अमत इस्लाम के अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है मुसलमान होते हुए हमारा आसमान वाले से और आसमान वाले की सिफात से बहुत गहरा ताल्लुक है तो अब इस वक्त जो मुश्किल का दौर है इस वक्त जो मुश्किल आई हुई है हमारा ईमान है कि उसमें हमारा मफरत जो होगा वो उस क्रिएटर उस अल्लाह इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही होगा तो अपनी बात को मैं अगर एक नज़म से शुरू करूँ जो नज़म हम अक्सर सुनते आए हैं कभी इसका चंक सुना है कभी इसको ओवरऑल हमने सुना है ये नजम जो आती है बहुत प्यारी नजम है उर्दू की है पोएम और बहुत ही खूबसूरती से किसी मुसलमान ने बहुत दर्द से लिखी है मेरी तरफ आकर तो देख मुतवज्जे ना हो तो कहना मेरी राह में चल कर तो देख राह ना खोल दू तो कहना मुझसे सवाल करके तो देख बख्शिश की हद ना कर दू तो कहना मेरे लिए मुलामत सह कर तो देख इकराम की इंतहा ना कर दू तो कहना मेरे लिए लुट कर तो देख रहमतों के खजाने ना लुटा दू तो कहना मेरे कूचे में बिक कर तो देख अनमोल ना कर दू तो कहना मुझे रब मान कर तो देख सबसे बेनयाज ना कर दूं तो कहना मेरे खौफ में आंसू बहा कर तो देख मकफरत का दरिया ना बहा दूं तो कहना वफा की लाज निभा कर तो देख आता की हद ना कर दूं तो कहना बिला आखिर मेरा होकर तो देख हर किसी को तेरा ना कर दूं तो कहना ब्यूटिफुल स्टेटमेंट हम बेसुकून हैं, हम दुरुस्त चॉइसेस के लिए बेचैन हैं, हमारी बहुत सी तमन्नाएं बहुत से सवाल हैं हम लोगों की नज़र में इज्जत एहतराम मोहब्बत चाहते हैं हम चाहते हैं कि कोई हमें मुलामत ना करे कोई हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना करे हम दुनिया के खजाने जाते हैं हम चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में सुकून मिले तो अल्लाह के साथ वफा निभाएं ये वक्त है अल्लाह की तरफ पलटने का अगर आज मेरे और आपके लिए इस मुश्किल टाइम से निकलने के लिए कोई ऑप्शन है तो वो वाहिद ऑप्शन है कि हम इस मखरज में अल्लाह की बताई हुई बातों के रास्ते पर चलें अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पर कहते हैं कि जिसने अपने साथ जितनी भी ज्यादती की है उसको मखरज मिलेगा सिर्फ उसको मुझे जवाब देने की जरूरत है यानी जो मैंने उसको करने का कहा है उसको वो करने की ज़रूरत है मैं बहुत छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगी और इन ये आज जो मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेकर रखूंगी वो कुरान से ही है अल्हम्दुलिल्लाह अहाब कहाव को हम सब जानते हैं असहाब कहाव सुर कहाव के अंदर जिनकी कहानी आती है हम सब जानते हैं कि वो चंद नौजवान थे आप में से ज्यादातर खातन उनकी स्टोरी उनका बायोग्राफी जानती होंगी वो वो नौजवान जो इलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे उनको अल्लाह ताला ने उस आसमान और आसमान वाले की तरफ डायरेक्ट कर किया जिसने उनकी जिंदगी में डायमेंशन्स बदल दें उन्होंने अपना ईमान डिक्लेयर किया हुं? हम कहते हैं ना हर मुश्किल में मखरज है उन्होंने अपना ईमान डिक्लेयर किया असाब कहाफ को अल्लाह पर बहुत तवक्ल था इस पर हमें कोई डाउट नहीं है लेकिन यह बताएं असाब कहाफ की स्टोरी को जहन में रख के ईमान डिक्लेयर किया था अल्लाह पर तवक्ल था लेकिन क्या उस तवक्ल ने हमें यह दिखाया कि उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाए ईमान डिक्लेयर करने के बाद वो बगैर सोचे समझे उठाए या उनकी कहानी को पढ़ के अंदाजा होता है कि अक्ल को इस्तेमाल करके कदम उठाए आप अगर असहाब कहाफ को जहन में रखें तो उन्होंने तवक्ल किया था अपने रब पर उस क्रिस्टानिटी के दौर में एक अल्लाह की बात को डिक्लेयर किया था जहां पर कोई भी उस वक्त एक अल्लाह की इबादत के लिए तैयार नहीं था मगर जब उन्होंने ईमान डिक्लेयर किया तो फिर उस इलाके में से चले गए हिजरत कर गए अगर आप सूर्य कहाव की आयात याद करें तो जब नींद से उठे थे तो एक दूसरे से कहा था ना कि अब ऐसा करते हैं कि हम में से एक जो है वो जाकर देख कर आए शहर का क्या हाल है हमारे बारे में लोग कितने कंसर्न हैं और देखो केयरफुल रहना उनको नहीं बताना हमारे बारे में वाला युश इन अहदा, किसी को तुम सबके बारे में इतला ना दे दे कोई जो जाए ही मस्ट बी वेरी केयरफुल तो ये आपको इस वक्त में जो बताना चाह रही हूं प्लीज इस सारे सिनारियों में जो इस वक्त चल रहा है ये कोविड नाइन्टीन का वायरस का इस वक्त बहुत दुनिया के ऊपर ह्यूमैनिटी के ऊपर एक आजमाइश आई हुई है ये आजमाइश सिर्फ हम सब के लिए एक साइन है अल्लाह की तरफ से एक आयत है अल्लाह की तरफ से एक इंडिकेटर है कि ये ज़मीन वाले ज़रा सर उठाकर आसमान वाले की तरफ देखें ज़मीन पर रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता हम सब मिलकर अल्लाह का दर खटखटाएं और अल्लाह जो रहमान है वो दरवाजे ना खोले ऐसा हो नहीं सकता हम सब मिलकर उसकी बारगाह में आंसू बहाए और उस रहमान और रहीम रब को हम पर प्यार ना आ जाए वो जो कई माओ से बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है तो देखें हमने मिलकर इस मखरज को ढूंढना है हमने मिलकर अल्लाह की तरफ पलटना है और यहां इस वक्त फेसबुक के थ्रू ऑडियोस के थ्रू एक दूसरे से बात करने का मकसद सिर्फ यही है हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ दें हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हम एक दूसरे के लिए इस वक्त सहारा बने और मिलकर अल्लाह को पुकारें सब अपने अपने तौर पर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें अब कहाफ ने ईमान डिक्लेयर किया अब कहाफ ने अल्लाह पर तवक्ल किया लेकिन एक दूसरे को यह भी कहा कि जरा केयरफुल रहना सबको बता के नहीं गए थे कि देखो हम इस गार में जा रहे हैं ये भी नहीं उन्होंने कहा था कि हम तो दीन वाले हैं हमें डरने की क्या जरूरत है ईमान डिक्लेयर किया था तो उसी शहर में रहते ना उस शहर को छोड़ के गार में क्यों चले गए थे दिस थिंक फॉर अ मोमेंट पिछले ऑडियो में हमने यही बात की थी वी नीड टू डू रिफ्लेक्शन जस्ट अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन अजाब कहा चाहते तो तबक्कुल करते और उसके बाद उसी शहर में रहते हमें तो अल्लाह बचाएगा आई वॉज जस्ट रीडिंग अ मैसेज यस्ट डे किसी ने लिखा था कि हमें मस्जिद को या हरम को बंद करने की क्या जरूरत है कोरोना की मज मजाल है कि हरम में आके दिखाए आई थिंक वी नीड टू सेट आर थॉट पैटर्न ऑन द राइट डायरेक्शन ये वही हरम है जहां आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले तीन साठ बुत रखे थे कैसे मजा हो गई कुरैश की कि उन्होंने अल्लाह के घर में तीन साठ बुत रख लिए अल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन तवक्कुल सही डायरेक्शन में करना सिखाता है वो दीन हमें सही डायरेक्शन में सोचना सिखाता है दीन से कहाता है कि जान बचाने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं दीन से है, we should preserve our lives. दीन है, तो कहा है जहां मुश्किल हो जाए वहां से हिजरत कर जाओ दीन ने कहा है ना ये असाबिक कहा, इन्होंने अपना दीन डिक्लेयर किया और अपना फेथ डिक्लेयर करने के बाद ये नहीं कहा कि अब यहीं बैठकर हम शहीद बनेंगे बल्कि उन्होंने उस वक्त उसके प्रकॉशंस को लिया तो अगर आप इसी एक आयत के हिस्से को जहन में रखें वाला युश युष इरन्ना बिको अहदा तो बहुत क्लैरिटी आपको इनशाला आज के हालात में मिल जाएगी बहादुरी का मतलब ईमान का मतलब ये नहीं है कि अकल के बगैर काम किया जाए करेजियस होता है इंसान तवकुल रखता है इंसान लेकिन फूल हार्ड नहीं होता है अल्लाह के रसूल सल्हस नेहद के मैदान में जो स्ट्रेटेजीज एडॉप्ट की थी आप सीरत रसूल पढ़े तो आपने डबल आर्मर पहना हुआ था आपकी स्ट्रेटेजी थी जब आपने हिजरत मदीना की है आपने एक नई कई स्ट्रेटजीज एडॉप्ट की थी आपने अपने साथ एक नॉन मुस्लिम शेपर्ड को हायर किया था जो आपकी और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पीछे चल रहा था अपनी शीप के साथ ताकि पाओं के निशान मिटते जाएं। आपने पहले जब अपना सफर शुरू किया आपने मदीना के ऑपोजिट सफर शुरू किया आप डिस होकर गए थे आपने अपने मुंह को कवर किया हुआ था आप तो अल्लाह के रसूल थे आप चाहते तो आप कहते कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा लेकिन स्ट्रेटजीज एडॉप्ट की गई और जब स्ट्रेटजीज एडॉप्ट की जाती हैं तो ये भी एन ईमान की अलामत होती है अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है इसमें आपको और मुझे सिर्फ कुरान से और रसूल अल्लाह की अहादीस से अपने लिए गाइडेंस लेने की जरूरत है और आप असाब कहा की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब आज के दौर में लोग डिफर करें तो प्लीज कोई किसी के साथ जो है वो उस वक्त एक टसल में और झगड़े में ना आए एक दूसरे को देख के अस्तफार मत पड़िए आप और मैं इनशाला यूनिटी के साथ आगे चलेंगे और इस यूनिटी के अंदर ये चीज हमें जहन में रखनी है कि इसी यूनिटी के अंदर आपको और मुझे इंशाल्लाह दीन की क्लैरिटी मिलेगी जब हम इंशाल्लाह इस दीन की एसेंस को समझेंगे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे तो ये वक्त है इस वक्त इत्तेहाद के साथ यूनिटी के साथ रहने का आपको कोई कमज़ोर ईमान वाला कहता है इट्स ओके okay. खामोशी से सब्र के साथ इस वक्त रिस्पेक्ट के साथ वक्त को गुजार जाएं इसी तरह से मखरज नजर आएगा बिकॉज आप और में चुप करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की खातिर चुप करेंगे एक दूसरे पर इस्तफार पड़ने का वक्त नहीं है वी आर नॉट हवरिंग इन द एयर कि हम बहुत आला हो गए जो हमने फैसला किया असाब कहाफ को जहन में रखें उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हिजरत भी की उन्होंने अपने लिए एक सेफ प्रोटेक्शन भी ढूंढी उनको भूख भी लगी जब उनकी आंख खुली आप ये देखें कि अल्लाह ने इंसानों को हमारे लिए कुरान में एग्जाम्पल बनाकर रखा है इंसान होते हैं जो आखरत के सफर की तैयारी की तरफ आगे बढ़ते हैं असाब कहाव को जहन में रखें ना फरमानियां छोड़ें इफ यू रियली नीड आर मखरज राइट नाउ में से हर कोई इंडिविजुअली अपनी अपनी जिंदगी में जो छोटी से छोटी इस वक्त डिसबीडियंस है प्लीज उसको खत्म कर दें मैं आप खातन से बात कर रही हूँ मैं अपनी बहनों से बात कर रही हूँ आप में से वो सब बहनें जो इस वक्त छोटी सी चीज़ है अगर कभी भी जुबान से झूठ निकलता है गीबत निकलती है इफ़ यू नीड मखरज राइट नाउ फ्रॉम आर डिफ़िकल्टीज फ्रॉम दिस डिफ़िकल्टी प्लीज़ अल्लाह से वादा करें आज के बाद कोशिश करें मैं झूठ नहीं बोलूंगी मैं गीबत नहीं करूंगी मैं हर वो काम अडॉप्ट करूंगी अल्लाह जिससे आप राजी हो जाएं इस्लाम ने मुझे और आपको ऐसी जिंदगी दी है जिसमें आप अल्लाह की एक बात मानना शुरू करते हैं आपको उसकी कई फल नजर आते हैं इट्स अ ब्यूटिफुल दीन इट गिव्स यू रीजन टू जॉय किसने कहा है कि इस दीन में आके हम खुश नहीं रह सकते वी नीड अ मखरज आपको और मुझे सिर्फ एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ना है आपको मखरज बहुत अच्छा एक्सपैंड वे में चाहिए आप अल्लाह की तरफ दस कदम आगे बढ़िए अल्लाह ने कुरान में कहा है इन वाह हक यकीन अल्लाह का वादा हक है कौन सा वादा हक है कभी सोचे ना कुरान की तिलावत करें बहुत करें बट प्लीज गिव अ लिटिल मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन टू ईच सेंटेंस ऑफ कुरान की आयत अल्लाह ने कुरान में कहा है इन वाह हक यकीन अल्लाह का वादा हक है सोचें एक मिनट के लिए जिस सिचुएशन में आप और मैं कुरान पढ़ रहे होते हैं उसी सिचुएशन में कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए पर्सनलाइज हो जाता है हम आज सब परेशान हैं हम आज सब बेचैन हैं, हम आज सब अल्लाह की मदद की तरफ देख रहे हैं आप आयत पढ़ते हैं इन्ना वाह हक यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है कौन सा वादा सच्चा है ये वादा कि अल्लाह मोमिन की मदद फरमाता है अला इन नसरो करीब आगा हो जाओ अल्लाह की मदद करीब ही है अल्लाह मोमिन की मदद फरमाता है मखरत चाहिए मोमिन बन जाइए अल्लाह मोमिन की मदद फरमाता है अल्लाह मोमिन की हिफाजत फरमाता है अल्लाह की नसर अल्लाह की नुसरत मोमिन के साथ होती है यह अल्लाह का वादा है और याद रखें अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता और ना सिर्फ अल्लाह दुनिया में मोमिन के साथ वादा पूरा करता है अल्लाह क्यामत के दिन भी रोज महशर भी वो तमाम वादे पूरे करेगा जो उसने मोमिन के साथ किए हैं हम डर नहीं रहे हैं ना हम डरेंगे इन हालात से मुश्किल भी रब की तरफ से आसानियां भी रब की तरफ से हमारा ईमान है हम इस आयत को शायद पता नहीं कितनी मरतबा सुन चुके हैं इन नुसरा हमारा ईमान है कि ये जो इस वक्त मुश्किल है इसमें भी युसर मौजूद है और हम में से हर कोई अपने अपने घरों के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी में ढूंढना शुरू करेगा आपको और मुझे अपने पास कई यूसर नजर आने शुरू हो जाएंगे कई आसानियां नजर आने शुरू हो जाएंगी हम जानते हैं ये मुश्किल वक्त आया है यह मुश्किल वक्त अल्लाह की तरफ से एक आयत है हमें अल्लाह की तरफ थोड़ा और मुतवज़ करने के लिए एक इंडिकेटर है उस दिन की तरफ मुतवज़ो करने के लिए एक इंडिकेटर है शायद जिसको हम अपनी हसल बसल में भूल जाते हैं आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जहां बहुत सी लग्जरीज हैं वहां आप और मैं, पढ़े लिखे लोग हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं करंट अफेयर्स के साथ करंट सर्कमस्टांसिस के साथ अच्छी तरह से हम वाकिफ हैं ग्लोबल वार्मिंग हम सब जानते हैं ये तो होना है जो अब होना शुरू हो गया है आज ये वायरस है कल कोई और वायरस होगा जस्ट बी इंटेलेक्चुअल, जस्ट गो एंड रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं वहां से वो वायरसेस निकल रहे हैं जो जिनकी लाइफ जो 15,000 थाउजेंड ओल्ड है जिनके जीनोम को आज का साइंटिस्ट जानता भी नहीं है जिनके जीनोम और जिनके जेनेटिक कोड पर स्टडीज भी नहीं हुई है वी आर हेडिंग टू एंड ऑफ टाइम्स वी आर हेडिंग द ओनली मखरज राइट नाउ विच वी कैन अवेल इज द मखरज ऑफ अल्लाह सुबहना जो उस रब ने डिफाइन किया है वरना आज ये वायरस आया है कल कोई और हर्डल आ जाएगा कल कोई इससे मुश्किल वायरस आ जाएगा अल्लाह ना करे हम आजमाइश नहीं मांगते बट अल्लाह ने कुरान में आपको और मुझे ही कहा है, अफला तफक करून कौर फिक्र नहीं करते जिस दुनिया का हम हिस्सा हैं वो दुनिया अपने अख्ताम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर दुनिया अख्तितम की तरफ अभी ना भी बढ़े आप और मैं अपनी मौत के बारे में तो जानते नहीं है कुरान कहता है ला फीहा। वो घड़ी जिसको आप रोजे महशर समझें, कयाम समझें, उसके आने में तो कोई शक नहीं है और अल्लाह ने असाब कहाफ को हमारे लिए जिस कहानी के तौर पर कुरान में रखा है सोने के बाद तो वो भी उठे थे ना तो आप और मैं भी इस कबर में सोने के बाद जो दुनिया की कबर होगी रोजे मशर उठाए तो जाएंगे अल्लाह सवाल तो करेगा तो इस वक्त मामला क्या है अगर मुश्किल दूर करनी है अगर मुश्किल में भी मजबूत रहना है अगर असल तवक्कुल सीखना है प्लीज कम क्लोजर टू द मखरज और मखरज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते के पास है सिरात मुस्तकीम पर है अल्लाह के बताए हुए डायरेक्शन पर है अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम ही के रास्ते पर है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो मखरज सिखा दे उस मखरज की तरफ हमें ले आए जहां से सिर्फ और सिर्फ हमें ईमान नसीब हो जहां आपको और मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना आ जाए जहां हमारे गिले शिक्वे खत्म हो जाए जहां हम एक दूसरे का एहतराम करना सीख लें हम जो जो जहां खड़ा है इस वक्त हम में से हर वो सुनने वाला जो जहां खड़ा है अपने आप को एक कदम दो कदम चार कदम अल्लाह की तरफ लेकर आइए। कुरान में आता है ना वफ को रब इधा नसीता अपने रब को याद करो जब तुम भूल जाओ भूल जाते हैं ना हम अल्लाह को शायद भूले हुए थे अल्लाह को एक झटका आया है जो हम सबको इस वक्त दोबारा उस रब की तरफ मुतवज्जो कर रहा है थोड़ी नमाजें बेहतर हो गई थोड़ा नवाफिल पढ़ने का जी चाह है थोड़ा हाथ उठाने का जी चाह है दुआ के अंदर याद रखें वही इज्जत है जिसके पास तमाम कुदरत और तमाम ताकत है किसी इंसान में किसी टेक्नोलॉजी में किसी साइंटिस्ट में किसी वैक्सीन में वो ताकत नहीं है कि इस वक्त इंसानियत को इस मुश्किल से बचा सके आए हम सब मिलकर उस दरवाजे को खटखटाएं जिस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए रहमत आएगी इनशाला आए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी में से गुनाहों को उमिट करें मैं हर इंसान को दावत देती हूँ जिसका ताल्लुक किसी भी घराने से है जिसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है जिसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है ये टाइम है अपने खालिब को अपने मालिक को अपने क्रिएटर को अपने गॉड को अपने इलाह को अपने रब को जिसको बहुत लोग नेचर कह के सिर्फ एड्रेस करते हैं जस्ट एड्रेस दैट क्रिएटर उस रब को एड्रेस करने का वक्त है हम भूले हुए थे कुरान कहता है वक्त को रब का इजा नसी था भूल गए थे कोई बात नहीं फिर याद कर लो अभी जिंदा है अभी मोहलत है अभी भी हम तोबा कर सकते हैं हमने अपने मखरज को ढूंढने के लिए क्या करना है नंबर वन आए हम सब मिलकर अल्लाह की तरफ पलटें पलटने के लिए मेरी पिछली ऑडियो याद रखिए गिव टाइम टू कुरान एंड इट्स अ स्टिल इट्स अ ब्लेसिंग हम क्लासेस में नहीं जा सकते हैं हम कोर्सेज अभी इस वक्त नहीं कर सकते इट्स ओके वट एवर गुड इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑन यूट्यूब ऑन वेबसाइट्स ऑन वीडियोज ऑन सोशल मीडिया प्लीज सुनिए सो नंबर वन जस्ट कम बैक टू योर क्रिएटर अल्लाह रबुल्जत की तरफ वापस आइए नंबर टू हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इस वक्त देखने की कोशिश करें कि मेरे क्या गुनाह हैं मेरी क्या डिसोबीडियंस है जिसकी वजह से इस वक्त मेरी ज़िंदगी में और मेरे आसपास इंसानों की ज़िंदगी में मुश्किल आ गई है नंबर थ्री प्लीज़ जो अच्छी नेकी, नेकियां तो सारी अच्छी होती हैं जो नेकी, जो अच्छा काम जो इंसानियत की खिदमत के एंगल से कोई अच्छी बात आप अडॉप्ट कर सकते हैं जस्ट इट आई विल रिक्वेस्ट फ्राम दिस प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरी मुस्लिम वुमेन अगर आप अब तक हिजाब नहीं करती थी ना प्लीज अल्लाह की खातिर इस वक्त हिजाब शुरू कर दें बगैर ये सोचे कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी मैं इसकी बात नहीं करी इस वक्त आई विल जस्ट रिक्वेस्ट जस्ट फॉर दिस मोमेंट मुश्किल हटानी है न तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपके बच्चे को आपसे बात मनवानी होती है क्या करता है पास आके बैठता है प्यार से मामा कहता है अम्मा कहता है आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको आपसे कोई बात मनवानी है आपके काम करने की कोशिश करता है करता है ना आप किसी से कोई बात मनवाना चाहती हैं आप उससे बहुत मोहब्बत से बात करते हैं आप उसकी अगर वो आपसे रुतबे में बड़ा है आप उसकी मर्जी के मुताबिक बनने की कोशिश करते हैं करती है ना हम इस वक्त इस मुश्किल को हटवाना चाह रहे हैं और हमें मालूम है हटाने वाली ज़ात ऊपर बैठी है वो ही हटा सकता है प्लीज मैं जहां आपको तीसरे स्टेप के अंदर अडॉप्ट करने की बात कर रही हूं जस्ट टू फाइंड दिस मखरज मैं औरत होते हुए अपनी सब बहनों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूं जस्ट इस मोमेंट में हिजाब पहन ले बगैर ये सोचे शैतान कहेगा क्या फायदा बाद में उतार दोगी मैं कह रही हूं इस वक्त आगे का मत सोचें पहन लें क्या पता आपका इस वक्त हिजाब पहनने का अमल ना सिर्फ हम सब पाकिस्तानियों को ना सिर्फ हम पूरी मुस्लिम उम्मत को बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को आपका अमल आपका अमल पूरी इंसानियत को इस मुश्किल से निकाल ले इसलिए कि जो उसकी रहमत खुलती है तो उसकी रहमत ऐसे बरसती है कि आप और मैं उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको नेकियों में आगे ना बढ़ने दे शैतान पूरी कोशिश करेगा इस मुश्किल वक्त में हमारी टूटी फूटी नेकियों को भी जाया करवा दे प्लीज उसके ट्रैप में मत आइएगा आप में ताकत है आप में स्टेमिना है एटलीस्ट जितनी खातिन और बच्चियां मुझे सुन रही हैं जिनके कान से यह बात टकरा रही है मैं रिक्वेस्ट करूंगी में से जो इंसान जितनी नेकियां अडॉप्ट कर सकता है अडॉप्ट कीजिए अगर हमें इस मुश्किल को हटाना है हमें चार काम करने हैं चौथा काम कसरत से दुआ कीजिए कसरत से दुआ कीजिए कसरत से इसतार कीजिए और इसी चौथे काम में कसरत से सदका कीजिए कसरत से तो हम नंबर वन इन मुश्किल हालात में आज से ही विदाउट एनी डिले हम आज से ही कुरान के साथ जुड़ेंगे कुरान की तिलावत बढ़ा दें कुरान का कोई टॉक कोई दर्स कोई लेक्चर सुनना शुरू कर दें आज से थोड़ा थोड़ा मत सुने पूरा पूरा एक एक घंटा दो दो घंटा जस्ट टेन मिनट्स आंखें बंद करके सुने कॉन्सेंट्रेशन से सुने तफक्कुर से सुने नंबर वन हम कुरान से जुड़ेंगे बिकॉज वी नीड दिस मखरज नंबर टू हम अपनी जिंदगी में से गुनाहों को निकालेंगे चाहे वो झूठ बोलना है क्यों ना हो कोई खुली ना फरमानी है छोड़ दें छोड़ दें सिर्फ इस टाइम के लिए छोड़ दें अल्लाह से बात मनवानी है ना मखरज चाहिए ना, दरवाजा खुलवाना है रहमत का छोड़ दें इस वक्त ना फरमानी गुस्सा करना छोड़ दें म्यूजिक सुनना छोड़ दें लड़ना छोड़ दें लोगों की ज्यादतियों पर उनको माफ कर दें पुराने गिले शिकवे छोड़ दें छोड़ दें अपनी जिंदगी से जो आपको गुनाह नजर आता है अल्लाह की डिसोबीडियंस नजर आती है छोड़ दें तो कुरान पढ़ेंगे मखरज के लिए गुनाहों को छोड़ेंगे नंबर तीन मखरज के लिए कोई ना कोई नेकी अडॉप्ट करें प्लीज़ घर बैठ के आप जो नेकी अडॉप्ट कर सकती है। सकते हैं आप हो सकता है सोचें कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं जा रही हूं लेट से तो मैं हिजाब कैसे पहनू आप घर से बाहर नहीं जा रही कोई बात नहीं इरादा कर लीजिए नियत कर लें सिंपल नियत करने में अजर मिल जाएगा मुसलमान नेकी का इरादा करता है अल्लाह उसका अजर लिख देता है जब आप अमल करती हैं, अजर बढ़ा दिया जाता है तो नंबर थर्ड स्टेप टू रीच टू दिस मखरज नेकियों के इरादे कर लें प्लीज जो नेकी अडॉप्ट करना चाहती हैं, अभी कर सकती हैं, अभी अडॉप्ट कीजिए नहीं अडॉप्ट कर सकती हैं, नियत कर लीजिए योर इंटेंशन विल इंशाला मूव यू फॉरवर्ड टूवर्ड योर आजमा टर्ड योर डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स योर अमल याद रखें इंसान ऐसी मखलूक है जब वो किसी काम की नीयत कर लेता है तो कर जाता है नीयत कर ले क्या पता मौत आ गई तो इसी नीयत पर बख्श दिए जाए मौत से नहीं डरना हाँ अगर आप में से कोई ये कहता है कि मुझे ये कहते हुए डर लगता है कि मौत आ गई तो एक चीज हकीकत है किसी लेवल का फियर ऑफ डेथ इज नेचुरल अगर मुझे इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो मैं एक इस फियर ऑफ डेथ के ऊपर एक टॉक इंशाल्लाह छोटी सी जरूर प्लान करूंगी बाज लोग कहते हैं कि मुसलमान मौत से डर रहे हैं कोई जो घरों के अंदर बैठ जाए इसके इसके ऊपर भी वी नीड टू करेक्ट आवर परस्पेक्टिव मौत का फियर क्या है अहादीस ने और कुरान ने इसको कैसे डिफाइन किया है और ऑन अ रियलिस्टिकल प्रैक्टिकल नोट इसको कैसे आज लिया जा सकता है अगेन हम एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं डोंट यूज रिलीजन टू क्रिटिसाइज वन एन अदर प्लीज ना करें अगर दूसरे कर रहे हैं ना चुप हो जाए दूसरे आपको कम ही मान वाला कहें यह सोच के कि आप घर में बैठी हैं गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स की वजह से चुप हो जाए से बहुत अच्छा थैंक यू मुस्कुराएं आपकी नेकी है ये क्या पता आपके इस सबर पे आपकी इस खामोशी पे अल्लाह को आप पर प्यार आ जाए वो तो रहमान है वो रहीम है वो अशकूर है कदरदान है याद रखें उसकी मदद मोमिन के साथ है और जब मोमिन पर वो मदद करता है तो उस मदद का इम्पैक्ट आसपास के गुनाहगारों को भी मिल जाता है आपकी और मेरी नेकियां आसपास के लोगों के लिए भी फायदा हो जाएंगी तो नंबर थर्ड स्टेप हम आज से ही नेकियों का इरादा कर लेंगे और नेकियों के इरादे में याद रखें अगर किसी से माफी तलाफी करनी है ना रिश्तों में कर लें इट्स ए गुड टाइम मैसेज भेज दें फोन करें माफ कर दें सबको चाहे वो आपके घर में आपकी छत के साथ रहता है रहती हैं माफ कर दें चाहे वो दूर हैं माफ कर दें उन्होंने ज्यादा की माफ कर दें आपसे ज्यादा हुई सॉरी बोल दें सुने के अडॉप्ट करें इफ यू रियली वॉन्ट दिस मखरज इन फ्रंट ऑफ यू और हम सब मिलकर करेंगे तो मखरज बहुत जल्दी नजर आएगा इन शाला हम सब मिलकर उस रहमान के दरवाजे को खटखटाएंगे एंड नंबर फोर चलते फिरते उठते बैठते इसतगफार कीजिए नमाजों के बाद दुआ का एहतमाम कीजिए फर्ज नमाज के बाद दुआ का एहतमाम कीजिए फर्ज नमाज के बाद और चलते फिरते दुआ करें घर में काम करते हुए दुआएं कीजिए जब मौका मिल जाए दुआएं कीजिए जब मौका मिल जाए तस्बीह कीजिए जब मौका मिल जाए अल्लाह से बात कीजिए जब मौका मिल जाए अपने गुनाहों को याद करके रोए रोए क्या पता एक आंसू जो हमारी आंख से अपने किसी एक गुनाह को जो हमने पिछले दिनों में किया है उसको सोच के गिरे अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाए ना सिर्फ अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुले उस एक आंसू की वजह से जहन्नुम की आग हमारे चेहरे को कभी ना छुए ये बहुत खूबसूरत दीन है ये दीन आपको और मुझे हम में से हर मुसलमान को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है और करता है इट्स अ हाई टाइम टू जस्ट ज्वाइन आर हैंड्स टूगेदर टू जस्ट कॉल आर रब टूगेदर टू जस्ट फाइंड आवर सेल्फ इन द कुरान और हम इस मखरज की तरफ आगे बढ़े तो कुरान से जुड़ेंगे हम गुनाहों को छोड़ेंगे नेकियां एडॉप्ट करेंगे कसरत से दुआ और इस्तफार और सदका करेंगे हम में से जितने लोग जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों में रखा है आपने एक दफा मदद कर दी है हाथ रोकिएगा नहीं अगर आप खुद नहीं पहुंच सकते हैं तो प्लीज उन टीम्स को ज्वाइन कर लीजिए जो पहुंच रही हैं और सदका करती रही सदका मुश्किल को टालता है सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है सदका क्यामत के दिन आपके और मेरे लिए एक ठंडा बादल बन जाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा उस दिन अल्लाह मोमिन बंदे के ऊपर उसके सदके को एक बादल की तरह उसके सर पर रखेगा दुआ तकदीर बदल देती है अल्लाह ना करे अगर हमने से किसी की तकदीर में कोई मुश्किल है हमारी दुआएं तकदीर को बदल सकती हैं। इसलिए कि अल्लाह की रहमत जोश में आती है सो याद रखें ये मुश्किल वक्त जरूर है मगर हमारा रब हमारे साथ है हमारे रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को भी तनहा नहीं छोड़ा था हमारा रब किसी मोमिन को तनहा नहीं छोड़ता फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं मुझसे आज भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपना तवक्कुल बढ़ाने की जरूरत है आप पर आई हुई रहमत आपके आस पास नाजिल हो जाएगी आप पर आई हुई रहमत का फायदा इंसानियत को पहुंच जाएगा मत देखें कितने मुसलमान गुनाहगार हैं मत देखें कितने मुसलमान नाफरमान हैं मत देखें कितने मुसलमान अभी भी हैं जो नमाजें नहीं पढ़ रहे मत देखें कितने मुसलमान हैं जो इस वक्त भी म्यूजिक और मीडिया इंडस्ट्री में गर्क हुए हुए हैं छोड़ दें उनके लिए भी दुआ करें अपने रब का दरवाजा खटखटाएं हम सबको कलेक्टिवली इस वक्त अपने अपने तौर पर अपने रब की तरफ मुतवजा होने की जरूरत है अल्लाह हमें कुरान से जोड़ दे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें जिंदगी में गुनाहों को छोड़ने वाला बना दे अल्लाह हमारे लिए नीकियाँ अडॉप्ट करना आसान बना दे अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फ़रमा ले अल्लाह हमारी तोबा कबूल फ़रमा ले अल्लाह हमारा सदका कबूल फ़रमा ले अल्लाह हमें अपने रास्ते में सदका करने वाला बना दे अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल ले अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल ले अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल ले अल्लाहुम्मा गफिर लना अल्लाहुम्मा गफिर लना अल्लाहुम्मा गफिर लना अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाय कुल्ली अता फरमा अल्लाह जो मरहूमीन हैं उनकी बेहतरीन मकफरत फरमा अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फर्मा अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमा अल्लाह हम नागहानी मौत नहीं मांगते अल्लाह हमें बख्शते अल्लाह जो तो जिम्मेदारियां आपने दुनियावी लिहाज से हम पर डाली हैं अल्लाह उनको एहसन तरीके से ईमान के साथ मुकम्मल करने वाला बनाइए अल्लाह हमारे बुजुर्गों की हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए अल्लाह हम खताकार हैं अल्लाह आप रहमान हैं अल्लाह हमें बख्श दीजिए अल्लाह बहुत प्यारा वक्त है अल्लाह आप इस वक्त की भी दुआएं को भूल करते हैं अल्लाह आपको तो जिस वक्त पुकारा जाए आप दुआएं को भूल करते हैं अल्लाह हमें बख्श दीजिए अल्लाह हम पर से मुसलमानों पर से मुसलमान ममालिक से इस पूरी दुनिया की इंसानियत पर से इस मुश्किल को हटा दीजिए अल्लाह हम मुसलमानों को मौका दीजिए कि हम आपके फर्मा बरदार बने अल्लाह हम मुसलमानों को मौका दीजिए कि हम इस्लाम की खूबसूरती को दुनिया के हर इंसान के सामने रख सकें हम जानते हैं इस दीन ने हर इंसान को प्रेजेंट करने के लिए मुसलमानों को कुछ न कुछ दिया है अल्लाह हम काफिल थे अल्लाह हमें माफ़ कर दे हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एतात नसीब फरमा अल्लाह हमें रोजे मशर उनकी शिफात नसीब फरमा अल्लाह हमें ऐसे हाल में अपने से मिलाइए कि हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह आप हमसे राजी हों अल्लाह इंसानियत को इस मुश्किल वक्त में मखरज अता कर दीजिए रहमतों वाला मखरज अता कर दीजिए हम सबको बख्श दीजिए मुसलमानों पर रहम फरमाइए जहां जुल्म हो रहा है उन मुसलमानों पर अपनी खास मदद नाजिल फरमाइए जजाकल्लु खइरा आप सबके वक्त का अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह आपके प्यारों को आपके खानदानों को जो जहां जहां दुनिया में है अल्लाह सब को अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह सिर्फ आप ही की मदद हमें इस आंखों से ना नजर आने वाली बीमारी के शर से बचा सकती है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए अल्लाह हम सब पर करम फरमाइए अल्लाह हम सब पर रहम फरमाइए अल्लाह सब से इस अमल को कबूल फरमाइए अल्लाह इस जिक्र के बदले हम सबके घरों के ऊपर एक कनेक्टेड रहमत की शीट लगा दीजिए और उस शीट के अंदर कोई शर और कोई शैतान दाखिल ना हो सके जजाकल्ला खैरन सुबह नबी हमदी का न श्लांता ना गफीरो का वाह न तुबोलाइ असलाम्कम वरहमतल्ला वबरक